अब आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये देखिए, यहां से धीरे धीरे हम लोग जो है ना वो इंडक्टर की तरफ जा रहे हैं। इंडक्टेंस मतलब इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर की उत्पत्ति कैसे होती है, कब किसी वायर में इंडक्टर का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, ये सब हम लोग समझेंगे। कितने प्रभाव, कितने तरह का इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, अलग अलग टाइप का। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहां देखनी है। उसमें सबसे पहला हेडिंग आप लिखिए, सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस लिखिए। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाई वर्च्यू ऑफ विच। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाई वर्च्यू ऑफ विच। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द ग्रोथ और डीके ऑफ द करेंट। इट अपोजेज द ग्रोथ और डीके ऑफ द करेंट। इट अपोजेज द ग्रोथ और द डीके ऑफ द करेंट। इट अपोजेज द ग्रोथ और डीके ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। फ्लोइंग थ्रू इट। फ्लोइंग थ्रू इट। अब क्या कहानी है, इसको थोड़ा सा हम लोग को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ये आपने क्या ले लिया, एक तार लिया है। इस तार को आपने की से कनेक्ट किया बैटरी को, और यहां पे आपने क्या ले लिया, एक तार ले लिया, और उस तार को इस तरह से आपने जोड़ दिया। अब जैसे ही आप इस स्विच को ऑन कीजिएगा, जैसे ही इसको आप ऑन कीजिएगा, चूंकि यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो ये इस सडन इंक्रीज इन करंट को क्या करता है, इनिशियली अपोज करने की कोशिश करता है। तब ये चाहता है कि मेरे थ्रू करंट पास न किया जाए। इसीलिए इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई इंडक्टेंस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब आप क्लास 11th में थे तो आपने इनर्शिया एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इनर्शिया का क्या कहना है, वो जिस स्टेट में रहता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। और आप इवन एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं तो भी वो अपना स्टेट चेंज करने में उसको बहुत कठिनाई होती है। आपने देखा होगा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट पर ही रहूं। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो चाहता है मैं मोशन में ही रहूं, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना अप्लाई किया जाए। ऐसे ही अगर इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो यह सर्किट चाह रही है कि मेरे थ्रू करंट फ्लो ना हो। लेकिन आपने तो स्विच ऑन कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, यहां करंट तो बढ़ेगा, लेकिन इस सर्किट की पूरी टेंडेंसी रहेगी कि मैं अपने थ्रू करंट को बढ़ने ना दूं। ये जो इस कॉइल की प्रॉपर्टी है जो इस करंट को नहीं बढ़ने देना चाहता है, या फिर कंटिन्यूअसली मान लीजिए करंट बह रहा है, अभी ये सिचुएशन है, आपने अचानक से क्या कर दिया, करंट बंद कर दिया, ये सर्किट नहीं चाहेगी कि मेरा करंट रुके। ये सर्किट नहीं चाहेगी कि मेरा करंट रुके, और इसलिए आप कई बार ऐसा देखते होंगे, कभी आप स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ करते वक्त वहां स्पार्किंग आती है, खास करके ऑफ करते वक्त वहां स्पार्क आता है। देखें चक से एकदम लाइट जला, वो क्या स्पार्क है, वो स्पार्क हो ही इसीलिए वजह से रहा है कि यहां पर कंटिन्यूअसली करंट फ्लो कर रहा था। आपने जैसे ही स्विच को ऑफ किया, स्विच को ऑफ किया तो करंट गायब हुआ, लेकिन ये नहीं चाहता था कि करंट रुके। तो ये इस कॉन्टैक्ट, ये जो इसके बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये इस हवा को आयनाइज करके, जो डाइलेक्ट्रिक हवा है उसको आयनाइज करके यहां पे चाहता था कि ये कॉन्टैक्ट बना रहे। तो जैसे ही आप स्विच को अलग कर रहे हैं, यहां पे पूरा वो वाइट माने जो करंट है वो आपको स्पार्क ऐसा दिखेगा, तब तक जब एकदम दूर नहीं हो जाए तो वो पूरी कोशिश करता है कि हमारे अंदर जो करंट बह रहा था वो बहता रहे, उसको रोका ना जाए। ये जो प्रॉपर्टी है इस कॉइल की, कि अगर उसके अंदर करंट बह रहा है तो वो चाहता है कि बहता रहे, या अगर उसके अंदर नहीं बह रहा है तो आप उसको ऑन करिएगा तो वो चाहता है कि मैं नहीं उसमें बहने दूं। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को इंडक्शन बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि ये खुद ही अपने आप से कर रहा है। और म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक वायर की वजह से दूसरे वायर पे। तो ये आपने लिखा है, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल
by virtue of it, it opposes the growth or decay. दोनों ही अपोज कर रहा है, ग्रोथ और डीके ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट. देन ये कॉयल आप बना के और एक इस तरह का सर्किट वहां बना लीजिए. ये लिख दीजिए कॉयल, ये बैटरी और ये की. और जब आप की को क्लोज करिएगा तो ये उसको अपोज करेगा, यानी स्विच को ऑन कीजिएगा. When switch is on, then the coil opposes the growth of current through it. This property of the coil is called self induction. यही जो property है. अब यहां पर डीके वो अपोज कर रहा था किसको? वो ग्रोथ को अपोज कर रहा था. यहां पर ही किसको अपोज कर रहा है? ग्रोथ को, क्योंकि ऑफ था, सडनली आपने उसको ऑन कर दिया, तो वो नहीं चाहता था कि उसमें ग्रोथ हो, तो उसको अपोज करेगा. इसका उल्टा भी होगा, जब आप उसको ऑन रखे हुए सडनली क्या कीजिएगा, क्लोज करिएगा, तो वो उसके फिर घटने पर भी उसको आपत्ति होगी, वो घटने भी नहीं देगा. ये जो प्रॉपर्टी है कॉइल की, विच अपोजेज द ग्रोथ और डिके ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. तो ये तो हमने ग्रोथ का लिख दिया. आप उसके नीचे एक बार लिखिए व्हेन स्विच इज ऑफ, एक बार और लिख दीजिए ये फर्स्ट पॉइंट. और इसको हाँ सही कह रहे, मैं तो कॉपी कर ही सकता हूं. इसको पहले छोटा कर देते और उसके बाद इसको कॉपी कर लेते और कॉपी और इसको उठा के नीचे रख देते हैं. पूरा पेज को छोड़ दीजिए, एक मिनट इसको आप ये कर दीजिए, एक मिनट रुकिए. और when this is, ये on को क्या कर देना चाहिए, off कर देना चाहिए, तो off होगा. then it opposes the decay, of current through it. this property is also known as self induction. इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, self induction. ठीक. ठीक है, लिख लिया आप लोग, लिख लिए ना? हाँ. चलिए, तो ये दो बातें लिखनी थी कि एक में अपोज कर रहा है, एक में ये कर रहा है. नाउ राइट सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की इनर्शिया, बिकॉज जो इसको पैदा करता है वही उसको क्या करता है, अपोज करता है. वो कहता है मैं जिस स्टेट में हूं मैं उसी स्टेट में रहना चाहता हूं, मैं स्टेट मेरा अदली बदली मत कीजिए. अगर आप मेरा स्टेट चेंज कीजिएगा मैं उसको क्या करूंगा, अपोज करूंगा. और यही इनर्शिया की भी प्रॉपर्टी है. राइट, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिकल स्विच When the light is switched off,
स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिकल स्विच व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑफ. एक्सप्लेन वाई क्यों ऐसा हो रहा है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑफ करते हैं तो वहां स्पार्क क्यों पैदा होती है. छोटा छोटा स्विच में तो नहीं ज्यादा होता है, लेकिन जैसे एसी वगैरह ऑफ कीजिएगा क्योंकि 15 एम्पेयर 10 एम्पेयर इतना करंट फ्लो कर रहा है, वहां पे उतनी ताकत है कि वो एयर को आयनाइज कर देता है. और जैसे ही जिस क्षण एयर आयनाइज हुआ तो वो क्या करेगा, करंट फ्लो करा देगा, और करंट फ्लो कराएगा तो वहां पर स्पार्क आपको देखने को मिलेगा. राइट. When the circuit is switched off, the current in the circuit begins to decrease rapidly. When the circuit is switched off, the current in the circuit begins to decrease rapidly. Full stop. As a result of this, a large induced EMF is produced Across the switch contacts which tries to maintain the current in the circuit. तो अब चूंकि वो चाह रहा है कि करंट उसके अंदर बहता ही रहे, कंटिन्यूअसली बहता रहे, this EMF is sufficient to break down the insulation of air between the switch contacts. Is sufficient to break down the insulation of air present between the contacts. आगे लिखिए, this allow the current to pass through the gap for a short interval of time. This allows the current to pass through the gap for a short interval of time, and hence spark is produced. And hence spark is produced. और वहां पे क्या पैदा हो गया, स्पार्क पैदा हो गया. डन. तो एग्जाम में आएगा तो समझा देंगे कैसे स्पार्क पैदा होता है. हेडिंग डालिए, coefficient of self inductance. तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, उसके कोएफिशिएंट के बारे में हम लोगों को देखना है कि कोएफिशिएंट क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस. राइट. द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट is directly proportional to the current
कैरिंग थ्रू द कॉयल, थ्रू द कॉयल, फुल स्टॉप. द करेंट कैरिंग थ्रू द कॉयल. देयरफोर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कॉयल, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द करेंट कैरिंग कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल. बाउंडेड बाय द करेंट कैरिंग कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग इन द कॉयल. तो ये जो फ्लक्स है ये अगर प्रोपोर्शनल टू आई है इज इक्वल टू कीजिएगा तो कुछ एक कांस्टेंट लगेगा और यही कांस्टेंट जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. दिस एल इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन. तो ये लिख दीजिए वेयर एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस, जो भी लिखिए ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस लिखिए या सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये सब चलेगा. अब ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया. अब हम लोग जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर. और अभी आपने जस्ट थोड़े देर पहले देखा कि फाइव के जगह पर आप एल आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. तो अभी लिख दिए ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. यहां पे इंडक्टेंस का वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है माइनस साइन रहेगा तो ये क्या आ जाएगा डी आई बाई डी टी. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ राइट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसके ऊपर ही लिखना है ये बात. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉयल इज गिवेन बाय, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉयल इज गिवेन बाय, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉयल इज गिवेन बाय ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. डन. और उसके नीचे आप इस सारी बातों को लिख दें तो ई जो है वो किसके बराबर हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी. डन. लिख दी यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, एच ई एन ई आर वाई, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं इसको, हेनरी, एच ई एन ई आर वाई, नो एच ई एन ओ एच ई एन आर वाई, एच ई एन आर वाई, एच ई एन आर वाई, हेनरी. सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, इसको एच से डिनोट किया जाता है. डन. This is Henry. Heading डालिए, heading बोल रहा हूं. अगला लिखिए डेफिनेशन ऑफ इंडक्टर. अब पहली बार आप इंडक्टर क्या होता है इसके बारे में जान रहे हैं. इंडक्टर, what is an इंडक्टर, what is an इंडक्टर, इंडक्टर किसे कहते हैं. राइट. इंडक्टर की परिभाषा लिखिए. जैसे अब आपके सर्किट में हमेशा तीन कॉम्पोनेंट दिखाई देगा आपको, रजिस्टेंस दिखाई देगा,
कैपेसिटर दिखाई देगा और इंडक्टर दिखाई देगा, और रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं और इसको L से डिनोट करते हैं। यही एसी में LCR सर्किट के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। LCR सर्किट, ये LCR सर्किट क्या है? इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रजिस्टर भी है। ऐसा कोई सर्किट जो तीनों ही कंपोनेंट को लेकर चलता हो उसी को क्या कहते हैं? LCR सर्किट। बहुत ऐसे सर्किट होते हैं जहां पे सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होता है तो उसको CR सर्किट बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा सर्किट होता है जहां LR होता है तो उसको LR सर्किट बोलते हैं, और कई ऐसे सर्किट होते हैं जहां पे ना L होता है ना C होता है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता है, उसको R बोलते हैं। तो ये पहली बार आप इंडक्टर नाम सुन रहे हैं, जैसे आपने सेकेंड चैप्टर में कैपेसिटर नाम पहली बार सुना था, ऐसे ही अब पहली बार आप इंडक्टर का नाम सुन रहे हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, समझ में आ गया? वो जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ इंडक्शन है कि जो ग्रोथ ऑफ करंट या डीके ऑफ करंट को रोकती है। पर ये जो कॉयल है, इसमें जो जिस कॉयल की ये प्रॉपर्टी है, उस एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। जहां कहीं भी इंडक्टर लगा होगा वो सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन की प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो लिखिए इंडक्टर की डेफिनेशन को, लिखा जाए राइट द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टर। An element of electric current which is tightly wound coil of insulated wire, which is a tightly wound coil of insulated wire, which opposes the change in current through the which opposes the change of current through it, tightly wound coil of insulated wire, which opposes the change in current flowing through it, which opposes the change in current flowing through it, is called an inductor. Change in current flowing through it, एक ऐसा electrical device जो अपने थ्रू होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट के चेंज को अपोज करता है, उसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को आप क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। द सिंबल ऑफ इंडक्टर इज, द सिंबल उसका कैसा है? ऐसा है, और इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। एच से इसका यूनिट भी डिनोट किया जाता है। दिस इज द सिंबल यूज फॉर इंडक्टर। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अपोज करता है, अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट, ग्रोथ और डिके ऑफ करंट थ्रू इट। और ये ज्यादातर मिली हेनरी और म्यू हेनरी यूनिट्स में यूज किया जाता है। 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10^-3 हेनरी एंड 1 म्यू हेनरी इज इक्वल टू 10^-6 हेनरी के बराबर होता है। डन। उसके नीचे नोट डाल के एक बात लिख दीजिए, एन आइडियल इंडक्टर अरे ये तो आप लिखे ही है ना, बस ये दोनों बात लिख लीजिए कि ज्यादातर ये 1 मिली हेनरी या म्यू हेनरी में यूज में आता है। ये फोटो नहीं बनाए, हाँ उसके नीचे ये लिख दीजिए, ये तो आप लिख चुके हैं, ये लिखिए और ये लिख दीजिए 1 मिली हेनरी इक्वल टू 10^-3 एंड 1 म्यू हेनरी 10^-6 हेनरी। उसके नीचे लिखिए एन आइडियल इंडक्टर हैज हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड 0 ओमिक रेजिस्टेंस। An ideal inductor has high value of self-inductance and 0 ohmic resistance. Done? बढ़े आगे, बढ़ा जाए, चलिए heading डालिए self-inductance of a solenoid।
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या है तो आप जानते ही हैं, उसका हम लोगों को क्या देखना है, सेल्फ इंडक्टेंस देखना है। तो लिखिए राइट, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, और मैंने बताया है लॉन्ग सोलेनॉइड की परिभाषा क्या है, जब उसका लेंथ उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में इतना ज्यादा हो कि आप उसको क्या कर सकें, नेग्लेक्ट कर सकें, तो लॉन्ग सोलेनॉइड उसी को कहते हैं जहां पे लेंथ, जो इसका लेंथ है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या हो, बहुत ज्यादा हो। रेडियस ऑफ कॉइल, जो आपने ये सर्कुलर कॉइल बनाया है उसके रेस्पेक्ट में, जो यहां पर एक कॉइल होगा ना एक सर्कल, उसका जो रेडियस आर है, ये आर जो यहां पर है इसके सामने एल और आर के बीच में ये रिलेशनशिप जहां होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। लिखिए, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन। कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, स्मॉल एल लिखिएगा क्योंकि कैपिटल एल से इंडक्टर होता है, लेंथ एल, लेंथ ऑफ कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका नहीं, वो होता है नंबर ऑफ, कैपिटल एन इज ओनली नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, वहां पे वॉल्यूम यूज किए थे, यहां पे लेंथ है। लेट आई बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, लेट आई बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, तो आई करेंट इस सोलेनॉइड से जा रहा है, दिस इज द करेंट आई विच इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, ये डायग्राम बना लिए, उसके बगल में लिखिए, नीचे लिखिए, the magnetic field inside this solenoid, the magnetic field inside this solenoid is equal to mu not ni के बराबर, mu not ni के बराबर, that is equal to mu not ni के बराबर, done, then you write total number of turns in the solenoid, total number of turns in the solenoid, total number of turns in solenoid, solenoid capital N is equal to small n into L, capital N is equal to small n into L, done, हाँ यहां पे small L है, ये small L है, कैपिटल एल अभी कहीं नहीं यूज करना है क्योंकि कैपिटल एल सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यूज में आता है, तो ये सब जगह स्मॉल एल लिखिएगा, स्मॉल एल होगा, कैपिटल एल नहीं होगा। नाउ राइट, नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड इज इक्वल टू बी इंटू ए, इज इक्वल टू बी इंटू ए, डन। अब B के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, दैट इज डी फाइव बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए के बराबर, म्यू नॉट एन आई ए के बराबर, डन। तो ये एक टर्न में, ओनली इन सिंगल टर्न, अभी n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सोलेनॉइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, अब उस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं फाइव बी लिख दूं, जो किसके बराबर होगा, एन इंटू डीबी के बराबर, डी फाइव बी के बराबर, एन इंटू डी फाइव बी, अभी आप क्या लिखे, म्यू नॉट एन आई ए के बराबर, इस कैपिटल एन के जगह पे मैं एन एल लिख सकता हूं, म्यू नॉट एन आई ए,
और ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे ख्याल से म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल ऐसा एक एक्सप्रेशन आना चाहिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल, डन, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल आ गया। तो कंप्लीट पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स इन द होल सोलेनोइड, इन द होल सोलेनोइड, पूरे सोलेनोइड में तो यही होगा कैपिटल फाइव बी। अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने क्या दिखा था, फाइव इक्वल टू एल आई पढ़े थे, ये भी फाइव बी है और ये भी फाइव बी है, इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन नंबर टू। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हम लोग को क्या पता चला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई मस्ट बी इक्वल टू एल आई के बराबर, और यहां से एल जो है वो क्या निकल कर आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल के बराबर। ये सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू, डन, जैसे कैपेसिटर का वैल्यू निकाले थे ना, ऐसे ही सेल्फ इंडक्टर का ये क्या निकल के आ गया, वैल्यू निकल के आ गया। तो ये आपका सेल्फ इंडक्टर का वैल्यू निकल के आ गया, ये इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन है। अगर आप चाहते हैं इसको कैपिटल एन के टर्म्स में बदलना तो आप कैपिटल एन के टर्म्स में ही बदल सकते हैं, आसान काम है कैपिटल एन के टर्म्स में बदलना। बढ़े आगे, लिख लिए, अभी कैपिटल एल के टर्म्स में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एन के टर्म्स में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कैपिटल एन इज इक्वल टू या कैपिटल एन बाई एल इज इक्वल टू स्मॉल एन, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन के जगह पे मैं कैपिटल एन बाई एल का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल लिख दिया, कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब ये जज आपको करना है एग्जाम में कि ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको सवाल में नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है तो ये फॉर्मूला, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली दे देगा तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, डन। यहां पर आपने म्यू नॉट यूज किया है मैग्नेटिक फील्ड में, इस म्यू नॉट का क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस म्यू नॉट, 4 pi into 10 to the power -7, वो तो है उसका वैल्यू, ये है क्या, दिस इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बार वहां एयर ही रहे। अगर मान लीजिए हम कोई सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दें उसके अंदर, यानी ये जो आपका सोलेनोइड था, इस सोलेनोइड को हम लोग किसी कोर के चारों तरफ लपेट दें, कोई कोर के चारों तरफ लपेट दें, कोई यहां पर इस तरह का हमने एक मैग्नेटिक कोर ले लिया और उस कोर के चारों तरफ हमने अगर इसको लपेट दिया है, तो अब जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो हेडिंग इसके ऊपर हेडिंग डालिए, सोलेनोइड वुंड ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल, इसके ऊपर माने डायग्राम से ऊपर, सोलेनोइड वुंड ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल, इसका मतलब ये क्या है, एक मैग्नेटिक, ना ना उसी में माने उसी सोलेनोइड में, अब आपने मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर इसको ऐसा घेर दिया, मैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल, तो जहां म्यू नॉट लिखे थे वहां म्यू आर आ जाएगा, एल क्या आ जाएगा, एल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एन स्क्वायर ए बाई एल, जिसको अगर ढंग से देखा जाए तो एल डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू म्यू आर लिखा गया है,
तो एल डैश जो है वो एल म्यू आर के बराबर हो गया, या फिर मैं म्यू आर इंटू एल लिख सकता हूं, म्यू आर इंटू एल। तो आपको क्या करना है, पहली बार वाला सीधे निकाल देना है एल, और उसको सिर्फ म्यू आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका काम बन जाएगा। डन, यहां तक कोई डाउट? ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, सेल्फ इंडक्टेंस का या म्यूचुअल इंडक्टेंस का, दोनों में से कोई एक डेरिवेशन आपको देखने को मिल ही जाएगा। लिखिए, फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड डिपेंड्स, फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड डिपेंड्स, किन फैक्टर के ऊपर सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर वन, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ये सोलेनोइड के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपने फॉर्मूले में भी देखा। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनोइड, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनोइड के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर थ्री, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, और लास्ट, नेचर ऑफ मटेरियल जो उसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि म्यू नॉट और म्यू आर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ सोलेनोइड, क्यों? क्योंकि L की वैल्यू होती है म्यू नॉट N स्क्वायर A by L, या फिर L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A L, ये दोनों ही इसकी फॉर्मूला होता है। इसी पे इसकी डिपेंडेंसी है। डन, हेडिंग डालिए, बड़े हेडिंग डालिए, इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मतलब है? या तो ये सीरीज में लगे होंगे या फिर पैरेलल में। तो पहला लिखिए, इन सीरीज मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसे लगा होगा। तो जो L इक्विवेलेंट होता है वो L1 प्लस L2 होगा। L इक्विवेलेंट क्या होगा? L1 प्लस L2। और इसी का दूसरा भाई जब आप पैरेलल में लिखेंगे, इन पैरेलल हाँ, तो ये इन पैरेलल में क्या होगा? ये वन अपॉन एल क्यू, तो यहां पे क्या होगा? वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू। तो ये आपका दोनों फॉर्मूला हो गया। डन, हेडिंग डालिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर
कितनी एनर्जी स्टोर करके रखता है। जैसे आपको याद होगा कैपेसिटर में आपने पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर, याद है? कैपेसिटर में कितनी एनर्जी थी? हाफ सी वी स्क्वायर। रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी होती है? आई स्क्वायर आर टी, याद है? तो ऐसे ही इंडक्टर में भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहता है। स्टार्ट राइटिंग, राइट, छोटा सा डेरिवेशन है, हो जाएगा। हाफ एल आई स्क्वायर लाना है हम लोगों को, राइट। व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू द इंडक्टर एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, ये तो फैराडे लॉ था, और उसको जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस पे डाला था तो आ गया था माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर दिया था, जो कि इस तरह दिया हुआ है। नेगेटिव साइन शोज, लिख दीजिए, नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेगेटिव साइन शोज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द पासेज ऑफ करंट आई इन द इंडक्टर। नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द पासेज ऑफ करंट आई इन द इंडक्टर। तो ये नेगेटिव साइन का क्या इंप्लीकेशन है? कि भाई वो उसको क्या करता है? अपोज करता है। अभी आपने कहा था ना, वो ग्रोथ और डीके को अपोज करता है, किसको अपोज करता है? तो देयरफॉर ईएमएफ, अब हम लोग क्या लिखेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस? इसके नीचे एक लाइन ऐड करिए, तब वो नेगेटिव साइन हटेगा, राइट। टू डिराइव द करंट थ्रू द इंडक्टर, टू डिराइव द करंट थ्रू द इंडक्टर, थ्रू द इंडक्टर, जब आप चाहते हैं कि इंडक्टर के थ्रू करंट पास करे, बिजली पास करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितना अमाउंट का उसमें बैक ईएमएफ पैदा हुआ है, उतना ही अमाउंट का आपको एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना होगा। जितना उसका बैक ईएमएफ पैदा हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है, उससे या उससे बड़ा बैटरी आप लगाइएगा, तब ना उसमें करंट फ्लो करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतना तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा है ड्यू टू उसके अंदर प्रॉपर्टी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से। अब अगर चाहते हैं कि नहीं, इसको ओवर और इसको ओवर कम करके उस कॉइल में अभी करंट पैदा हो, माने करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दें, तो जितना इसका ईएमएफ है, इसे ज्यादा ईएमएफ दीजिएगा, बराबर का ईएमएफ दीजिएगा, तब ना उसमें से करंट फ्लो करेगा। तो वही कह रहा है, टू डिराइव द करंट थ्रू द इंडक्टर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ द एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, the external voltage is applied, the external voltage is applied, hence external voltage is emf of the battery, external voltage is emf of the battery, negative of this, therefore jo external voltage hai wo kitna aa jayega, minus of माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये माइनस माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा, ये हो जाएगा प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब ये नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, डन। अब आगे लिखिए, लेट डी डब्ल्यू बी दी वर्क डन, let dw be the work done by the external supply on the charge passing through the inductor, on the charge passing through the inductor। तो dw इस किसके बराबर हो जाएगा? induced emf into dq के बराबर, done। अभी dw is equal to induced emf किसके बराबर आ गया? l di by डी टी इंटू किसके बराबर? डी क्यू। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या? ये वोल्टेज इंटू चार्ज वर्क डन के बराबर नहीं होता है? होता
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, तो वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू नहीं होगा, तो ये वी क्यू ही तो लिखे हैं, यहां तक कोई डाउट? अब यहां से आप क्या कीजिए, एल डी आई को एक तरफ रख लीजिए और डी क्यू बाई डी टी कर दीजिए, और आप जानते हैं डी क्यू बाई डी टी आई ही होता है, डी क्यू बाई डी टी इज करेंट, तो इसके जगह पर भी आप क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई के बराबर, उसके बाद आप दोनों साइड पे क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वर्क, एल कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से जो वर्क आपने निकाला है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर वर्क डन, यही वर्क डन हम लोग को क्या करना था, निकालना था, हाफ एल आई स्क्वायर, एंड दिस वर्क डन इज ओनली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, लिख दीजिए दिस वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, दिस वर्क डन इन increasing the current flowing through the conductor is stored as this work done in increasing the current flowing through the inductor, this work done in increasing the current flowing through the inductor is stored as magnetic potential energy U is stored as magnetic potential energy U in the magnetic field of the inductor, in the magnetic field of the inductor, और इसी को आप UM that is half L I square से जानते हैं, यही आपका energy stored in the inductor के बराबर होता है, done? यहां तक कोई doubt? अब L के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, L का एक आपने एक्सप्रेशन डाला था, L के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यू एम इज इक्वल टू हाफ इसको म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई स्क्वायर, करेक्ट, तो यू एम का ये भी एक फॉर्मूला बनता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर ए एल बाई टू, और कैपिटल एन के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो यू एम इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एन के टर्म्स में एल क्या लिखते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू आई स्क्वायर, एंड देयरफॉर यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर ए बाई 2L. Done? यहां पे जाके आपका सारा जितना भी डेरिवेशन था सेल्फ इंडक्टेंस से लेके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस हो, कि सोलेनाइड में स्टोर्ड एनर्जी की बात हो, कि सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशियंट क्या होता है उसकी बात हो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सेल्फ इंडक्टेंस समाप्त हो गया, अब रह गया है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, तो मैं ऐसा करूंगा कि अभी सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े हैं, अगली क्लास में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा देंगे, और इकट्ठे मिला के एक क्लास में दोनों का न्यूमेरिकल करवा देंगे, सेल्फ इंडक्टेंस का भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो एक क्लास आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का न्यूमेरिकल में चला जाएगा, एक क्लास म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसके बाद सिर्फ लास्ट टॉपिक आपका रह जाता है, दैट इज एसी जनरेटर, और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो मान के चलिए एक से दो लेक्चर और लगेगा और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।